शेयर भी चाहिए होगी, ठीक है। तो हम करते हैं अर्निंग देख लेते हैं कितनी है, ठीक है, इन मिलियन अर्निंग है हमारे पास मिलियंस में 2018 में, 2018 में डिविडेंड हुआ करंटली अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि 2018 में 150 और 200 और यहाँ पे अर्निंग 150 और यहाँ पे अर्निंग 200, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ ए है, ये मैं कर बी है, ये मैं कर देता हूँ सी है। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 10 रुपए का एक है, 2018 में तो 180 है, ठीक है। 2019 के लिए मैं वर्किंग बनाता हूँ, आसान सी वर्किंग है, कोई इतना बड़ी बिग डील नहीं है। तो वर्किंग वन में 2019 में, ठीक है, एट स्टार्ट, स्टार्ट कब होगा, रुपये होगा 2019, ठीक है, हमारे पास 180, ठीक है। जनवरी 1, 2020 को, ठीक है, सॉरी 2018, माय फॉल्ट, 2020 तो था ही नहीं, इसीलिए मुझे एकदम ख्याल आया, 2019 जनवरी को हम लोगों ने इशू किए हैं 20 मिलियन शेयर, ठीक है। और क्योंकि ये आधा साल रहे हैं, हाफ ईयर में रहे हैं, तो एवरेज जो होगी हमारी, अभी मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करके 10 लेता हूँ, तो 10 शेयर रहेंगे और हमारे वेटेड एवरेज जो शेयर है जिन्होंने कमाई की हम पूरा साल कर सकते हैं, वो 190 होंगे, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग पर शेयर, ठीक। तो ये 190 होंगे अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, वैसे तो हमारे 200 शेयर है, लेकिन अर्निंग पर शेयर क्योंकि वेटेड एवरेज से निकलेगी, सारे शेयर पूरा साल उन्होंने अर्न नहीं किया ना, इसलिए उनको आधा साल की अर्निंग मिल सकती है। अच्छा जी, तो डी पे अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालें, तो अर्निंग पर शेयर हमारे पास आती है, देखें, 150 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 180 आती है कुछ 0.833, और प्लस 200 डिवाइडेड बाय 190 आती है 1.052 कर देते हैं, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास सी में प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगी, अर्निंग पर शेयर हमारी कैसे निकली थी, बी डिवाइडेड बाय सी, ऐसे ही है। और प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलेगी, हमारी प्राइस है ए डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर आप लोगों ने निकाली बी, ये कैसे आएगी, तो 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 0.833 आती है 14.4 अर्निंग पर शेयर। और दूसरी कितनी आती है हमारे पास, अर्निंग की 15 और अर्निंग पर शेयर है 1.05 आती है 14.28। दोबारा देख लेते हैं, 1.05 अगर मैं अपने एक्सेल वाले पे करूं, अर्निंग्स है हमारे पास, सॉरी प्राइस है 15 डिवाइडेड बाय 1.05, ये 14.25 आ रही है। अगर मैं 1.05 से नहीं कर रहा, मैं एक्सेल पे करूं सारी अमाउंट से 1.05 2632 समथिंग, तो पूरी एक्सेल पे की जाए तो ये आ रही है। वैसे कैलकुलेटर से आप 2 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी और प्राइस रेशियो इसकी। अब आपको पता है कि आप प्राइस अर्निंग रेशियो वैल्यूएशन निकालनी होगी, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग रेशियो करोगे, ठीक है, तो आप सॉरी जब अर्निंग्स जो होती है, अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे, तो फिर आपके पास प्राइस, क्योंकि आपने टोटल 12 से ही खेला है, आप करके देख लो, आपके पास 12 और 15 ही आएंगी प्राइसेस। अच्छा, क्योंकि इसने कहा है नॉर्मली
मार्केट के बारे में कहते 20 है ये, तो प्राइस रेशियो ऑफ मार्केट 20, देयरफॉर वी कैन से दैट द शेयर्स ऑफ हेल्थकेयर लिमिटेड अंडरवैल्यूड है। 20 के हिसाब से जब करोगे आप अपनी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपकी प्राइस ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आपकी प्राइस जो है वो अंडरवैल्यूड है, ये चीज उसने आपको पूछी। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ तक तो परेशानी कर रहा है तो मुझे बताए, वरना मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। आपकी अभी अर्निंग है, तो मैं आपको बताता हूँ 2019 से ही बता देता हूँ, ये अर्निंग है। हमने सीखा था वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये मैं रखू अपने समझा रहा हूँ। वैल्यू निकाली जाती है जी अर्निंग आफ्टर टैक्स 200 मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशो 15, प्राइस अर्निंग रेशो सॉरी 14.25 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वो है आपके पास 2019 के कह रहा हूँ ना मैं, 2019 नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 200। ठीक है, तो आप निकालते हैं प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 14.25 और डिवाइडेड बाय 200, तो ये 14.25 ही आएगा, 25 मिलियन। और नंबर ऑफ शेयर्स पे जब आप डिवाइड करेंगे इसको, अच्छा सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स पे कर दिया, ये आपकी आती है प्राइस। लेकिन आप वैल्यू निकालते हैं पर शेयर मार्केट के हिसाब से, तो वो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 200 होगा ना, तो वैल्यू 20 पर, तो ये आपकी अंडर वैल्यू है। मार्केट में नॉर्मली सेक्टर जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 20 चल रही है, जबकि आपकी जो है वो सिर्फ 14.5 है। ठीक है, मार्केट की जगह यहाँ पर आप फार्मास्यूटिकल फार्मा सेक्टर देखते हैं। ठीक है, इस तरह इसलिए मैंने आपसे कहा था, वो आप मल्टीप्लाई करके वहीं पर लाओगे, आपने मल्टीप्लायर जब आपका इंक्रीज हो चुका तो आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है नॉर्मली ये होनी चाहिए मार्केट के नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन है 14.25 अंडर वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, पार्ट टू, ये वाला तो सवाल बहुत आसान था 6 नंबर का। पार्ट टू में कहते हैं डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर बोथ द इयर्स एंड कैलकुलेट द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2019। अच्छा चलें इसको भी करके देख लेते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अच्छा ऐसा करते हैं, हम नमाज ब्रेक करते हैं क्योंकि अजान हो गई है, तो 10 मिनट हो गए हमारी तरफ, तो नमाज ब्रेक करते हैं फिर 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट्स नमाज वेट करते हैं, विल बी बैक एट 7:22।
जी अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूरी तो बताएं, मैं आगे चलता हूँ। 7:21 हुए हैं अभी, 1 मिनट है हमारे पास। जी सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है, सेकंड पार्ट 8 नंबर का है। डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ठीक हो गया, फॉर बोथ ईयर्स एंड कैलकुलेट द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी फॉर ईयर 2019। अच्छा ऐसे करते हैं, पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है कैसे निकलती है। हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए कहते हैं जी कि हमारे पास प्राइस पर शेयर, इसमें 2019 की मांगी है ना, या प्राइस पर शेयर और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पहले तो ये निकाल देते हैं। तो प्राइस पर शेयर है हमारे पास 15 रुपए 2019 में, या 15 पर शेयर ड्यूरिंग 2019, तो 15 मल्टीप्लाई 2019 में 200 शेयर है हमारे पास, तो 3000 हमारे पास वो भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं पड़े, इक्विटी है और नॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है ओके। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है, ठीक है, तो 3000 का तो जो गया। इसके बाद हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, लोग उसके अंदर से देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म एक तरह से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी डेट की मार्केट वैल्यू नॉन करेंट 1650 2019 नहीं 1650 मार्केट वैल्यू ऑफ डेट शुरू में हमारे पास होगी 1650, तो हमें 1650 लेनी, 1350 एट द एंड है। अच्छा देख लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन इज वैल्यू डेट कार बुकिंग हो गया और कार पे ही वैल्यू है, ओके 2019 और डिविडेंड प्राइस पे रेशियो कंपनी चेंज ऑफ अदर नो चेंज इज टेकन इन डिविडेंड पे आउट रेशियो और ये हो गया। अच्छा जी तो हम लोगों ने प्राइस हमारी 2015 की, तो हम लोगों को देना चाहिए 2019 का जो डेट है वो 1350 आ रहा है, चलिए ठीक है 1350 हो गया। अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ गया। अच्छा इसमें से अभी अगर हमने किसी की कंपनी बेचनी है तो हम ये सारा कुछ देंगे, साथ हम लोग इसमें से लेस कर देते हैं। अगर हम लोग इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अगर किसी को बेचोगे तो प्राइस पे बेच सकते हो कंपनी, ठीक है। अच्छा इसके बाद वो कहता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से जरा फेयर वैल्यू निकालते हैं, चले वो भी निकाल देते हैं। इस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को डिविडेंड चाहिए होगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता है हमारे पास जो फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू निकालने का वो होता है मार्केट वैल्यू यूजिंग डिविडेंड मॉडल, ठीक है। वो हमारे पास 2019
तो दोनों साल से था ना, दो किए थे और 2018 मैंने गलत कर दिया, 18-19 की जगह से लिखा है, तो जाते ये 18 कर देते हैं, ये 19 कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि पढ़ने वाले को ऊपर भी 18 पहले था मेरे ख्याल में या और 19 बाद में था, तो पढ़ने में आसानी रहती है, बार बार ये नहीं करना पड़ता कि जी अच्छा ऐसे था। अच्छा जी, डिविडेंड निकालने के लिए, बल्कि हम लोग मार्केट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, थी नॉट इज इक्वल टू, हम कहते हैं डिविडेंड 1 प्लस डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, ऐसे ही है पढ़ा हुआ हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। हम लोग इस तरह से हर चीज बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर फार्मूला पुटेंट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए में डिविडेंड निकाल लेते हैं, डिविडेंड इसमें शायद बताया हुआ है हमें 19 मिलियन और 120 मिलियन, डन हो गया। तो डिविडेंड इन मिलियन, इधर है 90 मिलियन, इधर है 120 मिलियन, फिर डिविडेंड पर शेयर चाहिए, तो हम कहते हैं जी नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे थे हमारे पास 180 और यहाँ पे थे हमारे पास 200, तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर कैसे आएगा, हमारा ए डिवाइडेड बाय बी, डिविडेंड पर शेयर देख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आएगा 0.5 पर शेयर, और 120 डिवाइडेड बाय 200 ये आ रहा है 0.6 पर शेयर, ठीक है। डी में हम देख लेते हैं हमारे पास ग्रोथ कितनी है, देखो अभी हमारे पास ये आ गया, अब ग्रोथ चाहिए, हम ग्रोथ देख लेते हैं कितनी है। ग्रोथ आएगी हमारे पास, वर्किंग दे देते हैं इसके लिए वर्किंग टू, और ये भी वर्किंग टू में से ही निकलेगी। अच्छा ग्रोथ कैसे निकलेगी, वर्किंग टू दे देते हैं हम, हमारे पास अभी डिविडेंड है 0.5 और फिर है 0.6। अच्छा रिसेंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्लीस्ट डिविडेंड इक्वल 1 ओवर नंबर ऑफ ग्रोथ पीरियड 1 और -1, ऐसे ही आती है ग्रोथ हमारी, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 की पावर 1 ओवर 1, ये तकरीबन 1.2 -1, ये ग्रोथ आपकी कुछ 20% के करीब आ रही है, चेक करते हैं, तो ग्रोथ आपकी आएगी 20% और 20%, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मैंने क्वेश्चन में पढ़ी थी, उसमें दी थी मुझे कहीं, ये कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24% और 24%। तो अगर हम अब निकालें वैल्यू, तो वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, डिविडेंड अभी 0.5 इंटू 1 प्लस ग्रोथ कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.24 माइनस 0.2, ठीक है। और इसी तरह इधर 0.6 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 0.24 माइनस 0.2, तो हमारे पास वैल्यू आती है, सॉल्व करके देखें 0.5 इंटू 1.2 ये 6 बन जाएगा 0.6 और 0.24 माइनस 0.2 0.04 से इसको डिवाइड कर दें 0.04, तो ये 15 आती है। और इधर अगर हम सॉल्व करते हैं 0.6 इंटू 1.02 डिवाइड बाय 0.24 ये आती है 18, ठीक है। तो हमारे पास अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से हम लोगों की फेयर वैल्यू भी आ गई शेयर, ठीक। तो हम यहाँ कहते हैं
आपके फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स EVM method is rupees 15 in 2018 and rupees 18 in 2019. ठीक है, ये भी काम डाला गया. अभी तक तो मुझे तो इस क्वेश्चन में मुश्किल चीज नजर नहीं आई. अभी तक तो सब कुछ आसान ही चल रहा है. ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ओवर एबिटा. ओके, मार्केट वैल्यू हमारे पास है. मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है ये आपको पता है. मार्केट वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कंपनी की जे एबिटा निकाल लेता. ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें थ्री करंट रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ओवर एबिटा. तो मार्केट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. बल्कि मार्केट वैल्यू तो हमें पता है. हमें चाहिए मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा. मार्केट वैल्यू है हमारे पास, हमने कैलकुलेट की 3253. एबिटा वर्किंग 3 वर्किंग 3 में एबिटा की कैलकुलेशन मतलब अर्निंग तो है आफ्टर टैक्स कितनी है, नेट इनकम जो थी क्वेश्चन में बताई है उसने कहा करंट मार्केट प्राइस डिविडेंड 200 थी मेरे ख्याल में. यह अर्निंग आफ्टर टैक्स 200, इसमें एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ. अर्निंग आफ्टर टैक्स 200, इसमें एड बैक कर दें डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन है हमारे पास, वो भी क्वेश्चन में बताई हुई है. सेम ग्रोथ देयर इज नो चेंज एक्सपेक्टेड. डेप्रिसिएशन भी मुझे बताई हुई थी. या डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट 2019 में 150 और फाइनेंस कॉस्ट 115 ठीक हो गया. तो ये हमारे पास हो गई 150 एट दैट और फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट जिसको कहते हैं 115 ये भी एड बैक. ठीक है, और टैक्स भी. अच्छा जी, अब टैक्स कैसे निकाले. जाहिर बात है अगर हमारी, मैं आपको सुन सकता हूँ, हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने माइनस करना है 29% टैक्स तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स बनेगी. सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 29% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स है ना. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो 29% माइनस करके आ रही है ईबीटी का. तो हम ऐसा कह सकते हैं, चले समझे, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स इज इक्वल टू
अर्निंग बिफोर टैक्स, इसलिए समझा रहा हूँ आपको, अगर ये 29% है इसका, तो ये 71% होगा ना इसका, तो हम कह सकते हैं कि अर्निंग आपके टैक्स 71% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स, तो अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं कितनी है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगी हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 0.71, तो ये आती है प्लस 200 डिवाइडेड बाय 0.71, तो आती है 281.69, ठीक है। अच्छा, और अर्निंग आफ्टर टैक्स है 200, तो हमारा टैक्स होगा 81.69, हमने सिर्फ उसको ग्रॉस अप करके देख लिया कि ये अमाउंट हमारी आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स क्या अमाउंट होगी और टैक्स क्या होगा, उतना हमने निकाल लिया, हमारा टैक्स बनता है 81.69। ये सब चीजें हम इसमें ऐड बैक कर देते हैं, तो ऐड बैक कर देते हैं 500 प्लस 160 सॉरी 200 प्लस 160 प्लस 115 प्लस 81.69, ये बनता है 546.69। ये हमारा अधिकतम, तो अधिकतम हमारा आ गया 546.69, और हम लोगों का मार्केट वैल्यू ओवर अधिकतम अगर करना है तो 3253 डिवाइडेड बाय 549.69, ये आता है 5.95, ये हमारी रेशियो आ गई मार्केट वैल्यू टू अधिकतम। हाँ, अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा डन। उसके बाद एक थ्योरेटिकल चीज पूछता है कि अस्यूम दैट यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव द जनरल नॉलेज ऑफ टैक्सेशन बट दे डिजायर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन एटलीस्ट 3 years फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी टैक्सेशन के वो कहते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का समझाना है टैक्सेशन के क्या क्या फायदे हैं सी एरिया ऑफ फाइनेंस में, या आप उसके आंसर में थ्योरी पढ़ लो, नहीं समझ आएगी आप मेरे से पूछ लो, तो सी एरिया जिसमें बताए होंगे जिनके अंदर आप लोगों को टैक्स फायदा देता है, आप उसमें से हम देख के बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।